हेलो गाइस, मेरा नाम है विनय और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पेपर नंबर 6 ऑडिट का क्वेश्चन नंबर 1 का स्ट्रैटेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने May 21 से क्वेश्चन पेपर उठाया है और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को टोटल 7 क्वेश्चंस ऑप्ट करने के, ईच क्वेश्चन जो आएंगे 2 मार्क्स के और टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 8। सो इसमें सिंपल स्ट्रैटेजी क्या है, मोस्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस रहते हैं मिनिमम, मैंने जो प्रीवियस ट्रेंड में देखा है मिनिमम मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो करेक्ट रहते हैं और इस बार एक ही क्वेश्चन जो था वो करेक्ट आया था, जो उसकी ये वाला क्वेश्चन सी है, बाकी सब इनकरेक्ट ऑप्शन थे। अगर हम लोग एग्जाम में ऐसा करें कि सारे ऑप्शंस को अगर इनके समय नहीं आ रहा रहेगा तो फिर भी हम लोग इन हाँ, इससे पहले मुझे एक चीज़ बतानी होगी आपको। आंसर लिखते हो ये देखो, यहाँ पे एक इनकरेक्ट लिखा सिर्फ 1 मार्क मिलेगा और उसके बाद आप नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखोगे उसका 1 मार्क मिलेगा। सो ये ऐसे मार्क का ब्रेकेज है, करेक्ट लिख दो इनकरेक्ट लिख दो उसका 1 मार्क और बाकी उसके नीचे के एक्सप्लेनेशन जो स्टेटमेंट है उसके 1 मार्क। ऐसे ही है ये मार्किंग स्कीम। देन अगर हम लोग स्ट्रैटेजी लगा के सारे आंसर्स का ऑप्शन का इनकरेक्ट लिख दें तो होगा क्या कि इससे हम लोग को जो मैक्सिमम लॉस होगा वो कितने का रहेगा, 4 मार्क्स का, और बाकी जो 10 मार्क्स बचे हुए हैं वो उसमें से हम लोग को कितने कन्फर्म मार्क्स मिल जाएंगे, 10 में से हम लोग को कन्फर्म 5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे और फिर बचे जो 5 मार्क्स फॉर स्टेटमेंट फॉर ईच क्वेश्चंस जो हम लोग ने ऑप्ट किए हैं उसमें से हम लोग एटलीस्ट चलो 3-4 मार्क्स पकड़ ही लेते हैं, तो उसमें से भी हम लोग को वहाँ पर भी प्रॉफिट हो गया, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 मार्क्स कन्फर्म मिल जाएगी अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो। क्यों, अगर हम लोग अगर इनकेस हम लोग अगर श्योर है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक चीज़ याद रखना मैक्सिमम 2 ऑप्शन ही करेक्ट होते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर हम लोग ये रिस्क लेंगे तो ये भी हो सकता है कि हम लोग ने जो जिस सपोज मैंने ई क्वेश्चन को लिखा है करेक्ट है करके लेकिन एग्जाम में इसका आंसर इनकरेक्ट था, तो अब क्या होगा कि इसका आंसर तो जो मैंने लिख दिया है वो गलत था, जो कि मैंने लिखा था यहाँ पे करेक्ट और इसका आंसर एक्चुअल में इनकरेक्ट था। तो अब क्या होगा कि सपोज ये इसका मेरा 2 मार्क्स तो चला ही जाएगा, देन एज सपोज मैंने अभी इसको लिखा है ये करेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो होगा क्या मैंने बाकी सबको इनकरेक्ट मार्क कर दिया, ये हाँ ये इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट ऐसे। और इसमें सपोज मुझे ऑप्ट करना है सिर्फ कितना, 7, तो मैंने स्टार्टिंग के 7 ही ऑप्ट किए। आज आप लोग अगर एक्स्ट्रा ऑप्ट करोगे तो उसको वो देखेंगे भी नहीं, सीधा इग्नोर मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे। तो अब होगा क्या एग्जाम में हम लोग को इसका आंसर क्या था, इसका आंसर इनकरेक्ट था, एग्जाम सॉल्यूशन सजेस्टेड आंसर में इसका इनकरेक्ट था, इसका करेक्ट था, इसका करेक्ट था, इसका इनकरेक्ट था, इसका भी इनकरेक्ट था। सो यहाँ पे टोटल कितना लॉस होगा, ये जो हम लोग ने लिखा था इसका 2 मार्क्स का लॉस हुआ यहाँ पे, इसका 2 मार्क्स का लॉस हुआ यहाँ पे, इसका 2 मार्क्स का लॉस हुआ यहाँ पे और इसका 2 मार्क्स का लॉस हुआ। सो टोटल हम लोग देखे नहीं जाएगी तो 4 क्वेश्चंस का लॉस हो जाएगा अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन लिख के आएंगे, अगर मीन्स इनकेस वो गलत हो गया तो उससे अच्छा हम लोग इनकरेक्ट ऑप्शन सारे ऑप्शन में लिख के आए और मिनिमम 8 मार्क्स सिक्योर कर ले अच्छे से। सो बचते कितने ऑप्शंस यहाँ पे हम लोग के पास, अभी ये 1, ये 2, ये 3, 3 क्वेश्चंस ही हम लोग के सही हो गए और उसमें से भी हम लोग उसको एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, तो हम लोग 6 मार्क्स में से भी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, उससे अच्छा 8 मार्क्स ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके मिल रहे तो हम लोग ये ऑप्ट कर लेते हैं। सो यही था ये वीडियो में, थैंक यू गाइस।